जिला रामबन के लधाधार में वर्षों से सरकारी वन क्षेत्र के लोगों की तरफ से सरकारी रकबे पर कब्जा किया गया है, जिस पर अभी तक प्रशासन की तरफ से इन लैंड माफियों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जानकारी के अनुसार वन क्षेत्र और स्टेट लैंड पर पिछले कई वर्षों से गुजरों ने कब्जा कर रखा है। रामबन से हरदेव मनहास की रिपोर्ट। हमारे पास ये क्रिया ब्लॉक मधानी क्रिया ब्लॉक जो रामबन जिला में है, यहाँ से कुछ लोग हमारे पास आए हुए हैं। इनके कुछ मसले हैं, इनके साथ बहुत अत्याचार होता है, ये गरीब जनता है। इनका जो माल मवेशी घरों के अंदर बंद है और बाहर से गुजर जाके इनके ज़मीनों पे, उनके जो बाहर से जंगलात और सरकार रकबा इनका चरागा है उस पर कब्जा कर रखा है और इनका माल जो है घरों में बंद है। आपका नाम सर मुल्कराज? जी सर, मेरा नाम मुल्कराज है। अच्छा, ये किसका मकान है सर साथ में, ये जो मकान दिख रहा है? ये भगत राम जी का है जी। अच्छा, तो ये जो तार बंदी की है, इसके क्या ये बॉर्डर है? यही बॉर्डर है? ये सर बॉर्डर नहीं है, यहाँ पे ये भीमसेन जी की जो भगत राम जी के लड़के हैं उनकी जमीन है, लेकिन यहाँ पे ये गुजरों ने पाबंद की हुई है और यहाँ पे अपने हिसाब से बाउंड्री बनाते हैं कि यहाँ से इस तरफ जमींदारों का माल मवेशी नहीं आना चाहिए। आपका क्या नाम है सर? भीमराज। सर चारा कोई नहीं, माल अंदर है तो कोई पानी तक भी मजबूरी हुई नहीं तो जान नहीं देते। तो देखो सरकार को फैसला कर दी या नहीं कर दी, साढ़े वास्ते तो कोई चुनाई है नहीं, अगे जाने जो कोई वास नहीं हुई कि हालात भी गरीब है, बच्चे भी निके निके ने करो तो कोई चारा नहीं, अगे अगर जंदे तो डंग पसारे लेने तो गाला करते तो मारते, तो वो जरा बच्चा मारे तो बिल्कुल मेरे गुआंढ से छड़ा समझो सारा बनेगा। जीएमसी रजौरी अस्पताल की दिन ब दिन बिगड़ती हालत, रजौरी के स्थानीय लोगों में भारी डर पैदा हो गया। अगर जनता की फीडबैक और आंकड़ों पर जाएं तो रजौरी जिला अस्पताल सरकारी मेडिकल अस्पताल में अपग्रेड होने के बाद अपनी प्रतिष्ठा और खो चुका है। वाकया है, आज एक मोरखपुरा पंचायत के अंदर एक हमारे भाई हैं जिनको 5 बजे हॉस्पिटल लाया जाता है, यहाँ पे 5 बजे से लेके 10 बजे तक कोई डॉक्टर ने टच तक नहीं किया उनको, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, चेक किया किसी ने, और यहाँ पे उस पेशेंट की 11 बजे मौत जाती है। 11 बजे वो आखिरी सांस लेता है अपनी, और जबकि कल वो ड्यूटी पे गया हुआ, ड्यूटी शाम को वापस आया घर से, अच्छा भला पेशेंट यहाँ पे सुबह अचानक बीमार हो यहाँ पे आया और किसी डॉक्टर ने नहीं देखा उसको। सुनील डिंपल ने लद्दाख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत करने के लिए चीन विरोधी प्रदर्शन किया। चीन से युद्ध शुरू करने की मांग की डिंपल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भारत चीन पाक वार्ता बंद करने की अपील की। आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी लद्दाख के दौरे के ऊपर आए हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और साथ में ये संदेश उनको भेजना चाहते हैं कि चाइना के साथ तमाम सिंधियों ट्रीटीज को रद्द किया जाए और जो लद्दाख के इलाके चाइना ने कब्जा किया हुआ है उसे जल्द से जल्द खाली करवाया जाए और चाइना के ऊपर सेना और एयर स्ट्राइक्स करके लद्दाख की कब्जा की हुई जमीन को खाली करवाया जाए। कटरा पुराना दरुड़ के पंच और सामाजिक कार्यकर्ता सोहन सिंह ठाकुर और कटरा वार्ड नंबर 7 निवासी विजय बाबा ने अपने अन्य साथियों के साथ लेकर कटरा रेलवे स्टेशन के साथ लगते गांव टन तालाब में जाकर करीब 70 बैग जरूरतमंद परिवारों को सोशल डिस्टेंस में बैठाकर राशन वितरित किया। रोहित शर्मा की रिपोर्ट। मैंने भी देखा कि बाकी ही सोनू जी अच्छे काम कर रहे हैं और बाकी जरूरतमंद लोग हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके घर में राशन का नाम ही नहीं है, वो बहुत जगह लोग जा रहे हैं और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि बाकी इनको जरूरत है राशन की, तो आज मैंने भी मेरे दिल में भी प्रेरणा आई माता रानी के कृपया से सोनू के फ्रेंड के साथ चलते हुए, तो मैंने भी देखा नहीं जरूरतमंद बहुत है लोगों के वार्डों में जाके। राम प्यारी पंचम है 5 नंबर वार्ड दी, इस वार्ड से कोई अज दिन तक राशन देने नहीं आया, सब्जी दी ही सर वह भी एक दिन है, वह बाद कंडोले 5-5 किलो चौल दते ने 3 महीने और कख नहीं, अज चलो ये सोनू ठाकुर और आए विजय बाबा आए इन्हें आनिया राशन बंडिया साढ़े महल। पुंछ प्रशासन ने मास्क पहनना अनिवार्य किया और मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। सनी शर्मा की रिपोर्ट। की गई है, मैं समझता हूँ हम लोगों के लिए भले के लिए की गई है, आज जो पुलिस ने अनाउंसमेंट की है हर आदमी मास्क पहने और मास्क के साथ कहीं भी थूकना ये बड़ा एक क्राइम है।
इफ्तियार अहमद नेशनल ऑर्डिनेटर भारतीय युवा कांग्रेस और पहाड़ी समुदाय के नेताओं ने प्रेस क्लब राजौरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसी में उन्होंने रोस्टर को चेंज किया और रीऑर्गेनाइज किया और अलग अलग, जैसे आरबीए पहले 20% थी, फिर 10%, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को रिजर्वेशन दी और पहाड़ियों को 4% वहां रिजर्वेशन दी गई। जब वो एक्ट नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि पहाड़ियों के लिए इनकम बार होनी चाहिए, पहाड़ियों के लिए कोई मिनिमम इनकम होनी चाहिए कि वो कितनी इनकम होने के बाद उसको कैटेगरी मिलेगी। और उस नोटिफिकेशन में क्लियर कट ये लिखा गया था कि जो पहाड़ी कौन है, जो पहाड़ी जुबान बोलने वाला है, और उस नोटिफिकेशन में क्लियर कट ये लिखा गया है कि पहाड़ी एक ट्राइब है, लिंग्विस्टिक और इथनिसिटी के आधार पर उनको रिजर्वेशन दी जा रही। कालाकोट कस्बे के थर्मल पार्क में वन विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर 19 माह का बकाया वेतन जारी करने की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि वेतन अभाव के चलते हम कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं और आर्थिक और मानसिक तौर पर भी काफी परेशान हैं, लेकिन हमें हमारा बकाया वेतन जारी करने का कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। कालाकोट से साहिल कॉल की रिपोर्ट। सुरनकोट म्यूनसिपैलिटी कमेटी चेयरमैन के बेघर लोगों को लेकर बैठक आयोजित की, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा घोषित योजना का संज्ञान लिया गया और अन्य योजनाओं पर भी चर्चा की गई। सुरनकोट से आकाश मलिक की रिपोर्ट। जिस मीटिंग से हमारी सारे कौंसलर हज़रात बुलाए गए हैं यहाँ पर, एक्चुअली डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज ने डायरेक्ट किया हमें वहाँ से कि जितने भी प्रेजिडेंट साहिबान हैं वो अपने अपने ऑफिस में अपने ऑनरेबल कौंसलर्स को बुला के अपने अपने रिस्पेक्टिव वार्ड से PMAY स्कीम के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, हम जो मकानात जो है जिनके जो इनके पास घर नहीं हैं अपने, उसको सरकार घर बना कर दे रही है, तो उसके लिए वो लिस्ट फाइनल करके जो है हमने उसको वो लिस्ट मरतब करनी है, आज दे देनी है, उसको नाम में रखी है। ये इसके अंतर्गत है कि कोई भी आदमी जो है वो मकान के बगैर नहीं रहेगा। जैसे कि प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक उन्होंने यह कहा है कि हर किसी का अपना घर होना चाहिए। मीटिंग है 13 कौंसल आज़ाद और मोहतरम प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी सोनकोट और ईओ साहब और बाकी अमला जितना भी है, इन्होंने ये तलब की थी इसलिए कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म चाहते हैं कि हमारे मुल्क में कोई शख्स जो है घर के बिना ना रहे। तो उनका ये प्रोग्राम है कि मेरे ये 5 साल जो हैं मैं किसी को घर के बिना नहीं रहने दूंगा। आज हीरानगर के वार्ड नंबर 5 में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार हीरानगर की एक मीट की दुकान में काम करता था, जैसे ही उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई फौरन उसको कठुआ के जंगलोट कोरोना सेंटर भेज दिया गया और तहसील के कामकाज को बंद कर दिया गया। कैमरामैन प्रदीप के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। नहीं, ये कामकाज हमने इसीलिए बंद किया है कि इसको सैनिटाइज कर रहे हैं सारे एरिया को, जैसे ही सारा एरिया सैनिटाइज हो जाएगा तो काम स्टार्ट हो जाएगा, काम वैसे बंद नहीं करेंगे हम। और जो बंदा पॉजिटिव आया है वो यहीं पे उसकी एक दुकान थी, इसलिए हमने उसके सास वाली और सारी वो दुकानें बंद करवाई हैं। अभी सारा एरिया सैनिटाइज कर रहे हैं और जो उसका घर है वो वार्ड नंबर 5 में है, तो वहाँ भी उसके घर के सारे मेम्बर्स का टेस्ट करेंगे और एरिया को सैनिटाइज सुबह सुबह ही करवा दिया हुआ है। और बाकी देखते हैं, मैं लोगों को यही कहता हूँ कि मास्क पहन के रखें, ये बहुत डिफ़िकल्ट स्टेज है। उनके आसपास जो दुकानदार हैं उनके भी टास्क करवाएंगे, आज उनका लिस्ट बनाएंगे, उनको ट्रेस करके फिर कल उनके टास्क करवाएंगे। अच्छा, उनके घर वालों को जो उनके घर वाले हैं वो भी उधर हमने आशा वर्कर वगैरह भेजनी है टीम उनके घर में ट्रेस करने के लिए, जितने भी उनके दोस्त वगैरह जो भी हैं, चाहे वो वार्ड नंबर 1 के हैं, 2 के हैं, 5 के हैं, चाहे वो गांव के भी हैं, हम सभी को ट्रेस करेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। जब वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व सदस्य विधान परिषद सुभाष गुप्ता ने कई लोगों के साथ दयाला चौक पर स्वर्गीय गिरधारी लाल डोगरा, पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व संसद सदस्य की 105वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज के दिन हमारे महान नेता स्वर्गीय श्री गिरधारी लाल जी डोगरा, जो हमारी रियासत के फाइनेंस मिनिस्टर रहे काफ़ी लंबा अरसा,
उसके बाद वो एमपी बने और आज उनका जन्मदिन है। हम सब मिलकर उनको याद कर रहे हैं और जिस ढंग से उन्हें हमारी रियासत की, देश की सेवा की, ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से, हर गरीब आदमी जो उनके पास जाता था वो उसकी मदद करते थे। कोरोना वायरस जैसी महामारी को देखते हुए तहसीलदार राकेश शर्मा दुकानदारों की एक बैठक बुलाकर उन्हें कई दिशा निर्देश दिए गए। तहसील ने दुकानदारों से कहा कि कोरोना वायरस COVID-19 को हल्के में लेने की भूल ना करें। उन्होंने कहा कि खासकर दुकानों में भीड़ भाड़ ना होने दें। कालाकोट से साहिल कॉल की रिपोर्ट। हाँ, आज की ये हमारी जो मीटिंग थी, जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया हुआ है, ये व्यापार मंडल के साथ आज पहली मीटिंग थी। तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि जो गांव वगैरह से लोग आ रहे हैं तो उसमें कुछ लोग थोड़ी लापरवाही कर रहे थे, तो आज हमने इनके माध्यम से कोशिश की एक मैसेज देने की लोगों को कि अभी ये जो वायरस है ये कम नहीं हुआ है, अभी नए नए केसेस आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और वन सुल्तान अपर पंचायत के सरपंच एडवोकेट देवराज शर्मा ने शुक्रवार को मरालिया मोड़ से लेकर सरकारी डाक बंगले तक जाने वाले सड़क मार्ग पर तारकोल बिछाने का कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर भाजपा के आरएसपुरा जिला प्रधान सरदार हरभजन सिंह पम्मी, पूर्व विधायक गारूराम भगत सहित क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधि और विशेष तौर पर उनके साथ थे। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। ये जो पंचायत अपर बन सुल्तान है उसके बरालियाँ, उसका सेकंड फेज में जो आज ब्लैक ट्रैफिक का काम शुरू करवाया है, ये मेन रोड से लेके गांव बंगले तक ये जो ब्लैक ट्रैफिक का काम होगा, लगभग 1,40,00,000 का ये प्रोजेक्ट है। मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता और जहां के सरपंच श्री देवरा जी ने बहुत ही अंतक मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को पास करवाने में अपना पूरा जोर लगाया और साथ में पहला जो काम शुरू किया तो उसे माननीय हमारे सांसद जी आए थे, उसमें भी काफी लाका कबड़ हुआ है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज कांग्रेस महासचिव रमेश कुंडल की अध्यक्षता में हीरानगर बॉर्डर के लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। आए दिन पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। रोजाना हीरानगर के सीमावर्ती गांव चक गुर्जरा चंदवा में आए दिन फायरिंग करता रहता है। बॉर्डर पर रह रहे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। 2014 से चल रही है हमारे बॉर्डर पर फायरिंग, और जो हमारा MPA जिसको हमने दो बार दफा बॉर्डर के लोगों ने जिताकर भेजा है, उसने आज तक बॉर्डर के बारे में कुछ नहीं पूछा कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है, लोग जी रहे हैं मर रहे हैं, आज तक उसने कुछ नहीं लिया बॉर्डर का। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ एक रोष प्रकट करते हुए पाकिस्तानी हुकूमत का पुतला जलाया, तो आज हमने जन संपर्क अभियान के तहत गांव गुजरचक, चकचंगा, चकड़ा, कडियाला, मनियारी का दौरा लगाते हुए यहाँ पे आए हैं और लोगों की समस्याएं सुनी है। सरकारी राशन डीलर एसोसिएशन आरएसपुरा द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राशन डीलरों के समक्ष आ रही समस्याओं पर विचार किया गया। राशन डीलर एसोसिएशन के प्रधान सरदार सरबजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान एसोसिएशन के संभागीय कार्यकारिणी प्रधान अजय कुमार और तनवीर हुसैन मुख्य तौर पर मौजूद थे। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। COVID-19 हायर अथॉरिटी PSO तो लैके तो हर अथॉरिटी का छमे सारे डीलर प्रचार किया जा रहा है कि जब तक कि मशीन आ रही PSO मशीन आ रही नहीं कटोगे पर्चियाँ कटोगे तो पैसे इशू नहीं किया जाएगा। सर अभी कटने पर्चियाँ असं ना नहीं करते कि पर्चियाँ नहीं कटते, लेकिन इसलिए COVID-19 चल रहा है, COVID-19 जल्द खत्म हो जाता है उसके असं बिल्कुल पर्चियाँ कटेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला उप प्रधान सुरजीत सिंह शासन ने लिंक रोड सिंबल में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि सरकार प्रदेश के जेलों में बंद पार्टी नेताओं को जल्द से जल्द बिना शर्त रिहा करे। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट।
आरएसपुरा कस्बे के वार्ड नंबर 12 में लगे नए बिजली ट्रांसफार्मर का स्थानीय पार्षद अशोक कुमार और भाजपा युवा मोर्चा के अतिरिक्त सचिव अनिल कुमार शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। हिंदू पंचायत के अनुसार श्रावण मास में आने वाली अमावस्या को श्रावणी अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या इस बार यानी 20 जुलाई सोमवार को है। सोमवती अमावस्या के विषय में आचार्य संजीत शास्त्री का कहना है कि सोमवार को अमावस्या पड़े तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। पुराणों में सोमवती अमावस्या का बहुत महत्व बताया गया है। सुपर 30 कॉलेज ऑफ कंपटीशन ने अरई तहसील मंडी में कोविड-19 को लेकर जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया। सुरनकोट से आकाश मलिक की रिपोर्ट। किसान पखवाड़े के तहत कालाकोट सामुदायिक भवन में कृषि विभाग द्वारा एक शिविर लगाया गया, जिसमें एडीसी कालाकोट कृष्णलाल सहित सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कालाकोट से साहिल कॉल की रिपोर्ट। रजिस्ट्रेशन कम अवेयरनेस कैंप का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, तो इसमें हमने कुछ जो है किसान क्रेडिट कार्ड जो बैंक्स ने बनाए थे वो बांटे भी हैं, और कुछ जो फार्मर्स रह गए थे उनकी रजिस्ट्रेशन भी किया ताकि इमीडिएटली उनको और कार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। उपजिला बिलावर की बिलावर तहसील में एडवोकेट ललिताब खजूरिया और उनकी टीम जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। आज वो अपनी टीम के साथ पुलिस स्टेशन बिलावर में पहुंचे और पुलिस भाइयों को मास्क वितरित किए, और इस टीम का कहना है कि वो हर समय अपने समाज की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। उपजिला बिलावर की पंचायत लाहड़ी के सरपंच रंजू वर्मा ने तो रोड पर ही डेरा लगा लिया है। उनका कहना है कि ये प्रशासन के सामने सिर्फ ट्रेलर है, अगर उनके रोड का काम शुरू नहीं किया गया तो वो पूरी पंचायत और आसपास के लोगों के साथ मांडलीधार रोड पर डेरा जमा देंगे और वहां से गुजरने वाले किसी भी वाहन को वहां से आगे नहीं गुजरने देंगे। हम लोगों को परेशान नहीं कर रहे, हमारा ये दायित्व बनता है कि ये जो रोड है कड़ेतर से लेके कोग तक, इस रोड की इतनी हस्ता हालत है, मजबूर पब्लिक हमारी यहाँ पे इस रोड पे ट्रैवल करने पे मंजूर है। देखिए ये देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर जो है इस रोड पे हैं, अगर कोई हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेवारी मीडिया वाले आप लेते हो, तो मैं अभी उठ जाता हूँ, कोई पुलिस डिपार्टमेंट का लेता है तो मैं अभी यहाँ से उठने को तैयार हूँ, अगर कोई PWD वाला लेता है कि सरपंच इस रोड पे क्यों बैठा है, अगर हमारी कोई एक्सीडेंट हो गया, हमारे पिछले दिनों एक एक्सीडेंट की वजह से हमारे दो लोगों की जान चली गई थी, अगर उसकी भरपाई PWD डिपार्टमेंट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, या फिर ये मीडिया आपका जो है ये करता है, तो मैं अभी उठने को तैयार हूँ। आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि आप मुझसे ये क्वेश्चन करने वाले बहुत होंगे कि ये आप इस रोड पे इस तरह क्यों बैठे हैं, हमारी ये मजबूरी है, क्योंकि अगर आप जिम्मेवारी लेते हो कि ये रोड जो है इसको आप यहाँ से हट जाइए और हमारे लोग बिल्कुल सेफ हैं, सेफली हमारे लोग बिलावर तक पहुँच सकते हैं, दैट्स वाई हम इस रोड से उठ जाते हैं। सांबा पुलिस ने 41 शराब की बोतल के साथ 2 शराब तस्करों को पकड़ा। आपको बता दें सांबा पुलिस ने पूरे जिले में नशे के प्रति मुहिम चलाई है। अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। पुंछ में प्रशासन ने पेट्रोल पंपों ने कोरोना के चलते पेट्रोल पंप पर बिना मास्क के पेट्रोल नहीं देने का आदेश दिया है। आकाश मलिक की रिपोर्ट। जो हमारी कंट्रीब्यूशन और हमारा योगदान रहता है हम उसमें काम करते हैं, तो हमने जैसे कि हमारा यहाँ पे पेट्रोल पंप आपने देखा भी है, तो हमने एक डायरेक्शन दे के रखी है कि कोई भी बंदा जो है वो बिना मास्क अगर यहाँ पे आता है तो हम उसको फ्यूल प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इससे कम से कम एक मैसेज पब्लिक में जाएगा और जिससे हो सकता है कि लोगों में एक अवेयरनेस और इस तरह की एक बात आए। आज जिला पुंछ के गांव खनेतर में सखी मोहम्मद नामक व्यक्ति सन ऑफ अली मोहम्मद उम्र 75 वर्ष पर भालू ने हमला कर दिया। उसके बाद जख्मी व्यक्ति को राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ लाया गया और तुरंत उसका इलाज किया गया। पुंछ से सनी शर्मा की रिपोर्ट। नेम सखी मोहम्मद सन ऑफ अली मोहम्मद ए 75 इयर्स ओल्ड आरओ खनेतर। ही वाज ब्रॉट टू अस एट अराउंड 8:30 PM एज अ केस ऑफ बियर बाइट। ऑन एग्जामिनेशन वी फाउंड द एम्पुटेशन ऑन द राइट ईयर
एम्पिटेशन एंड लेसरेशन ऑन द राइट साइड ऑफ द ऑक्सीपिटल रीजन। पुंछ में आज वर्ल्ड जस्टिस डे मनाया गया। सनी शर्मा की रिपोर्ट। गबरू मेंस लग्जरी सैलून सर्विसेज अवेलेबल। एडवांस हेयर कट, बियर्ड, फैशन हेयर कलर, स्मूथनिंग एंड केराटिन, फेसियल, डीटैन, हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हाइलाइट्स। अपोजिट एस्क्वास्ट मेन रोड, आरएसपुरा, जम्मू। कॉन्टैक्ट नंबर 9622386022।